सरकार में रहते हुए लगातार सरकार का विरोध करने वाले सूबे के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज अपने बलिया दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए कहा कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से मूर्ति लग सकती है तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से क्यों नहीं डाक टिकट जारी करते हैं। सपा बसपा के नेता अगर लायक होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। इन दोनों के खामियाजे की देन है कि आज भाजपा बसपा व अपना दल की सरकार मिलकर बनी है। अगर बीजेपी चाहेगी तो उसके साथ रहेंगे, अन्यथा हम 80 सीट पर यूपी में और 16 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं हमको खत्म करने के लिए। जब यूपी के सभी बीजेपी नेता फेल हो गए हैं तब वो देश के प्रधानमंत्री को लाकर खड़ा कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने के लिए अब धरती पर किसी को दूसरा अवतार लेना पड़ेगा। इंसान को बांट कर राजनीति की गई, जब उसमें सफलता नहीं मिली तो अब भगवान को बांटने की कवायद शुरू कर दी गई है। हनुमान जी को दलित बताने वाले, धरती पर अवतार लेने वाले अन्य देवी देवताओं की भी जाति बता दें कि ये लोग कौन थे, किस कैटेगरी के लोग हैं, किसके साथ रहेंगे, किसकी मदद करेंगे। जनता बहुत गुस्से में है। नोटबंदी के बाद बिल्डर से लेकर लोडर तक सब परेशान है। जीएसटी से व्यापारी परेशान है, जिसका जवाब जनता देगी। तो क्या आप कहते हैं? देखिए, अगर ये लोग लायक होते, सपा बसपा के नेता लायक किए होते, ईमानदारी बरते होते, गरीबों के साथ न्याय किए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। आपने देखा कि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस के समय में कोई भी पार्टी का नेता थाने चला जाता था तो उसकी बात प्रेम से दरोगा भी सुनता था, अधिकारी भी सुनते थे और काम करते थे, जायज नाजायज समझते थे। लेकिन इधर जब सपा की सरकार बन जाती है तो सपा मनमानी करने लगती है और उसी तरह बसपा मनमानी करने लगती है। इन दोनों के खामियाजा की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाज पार्टी अपना दल की सरकार मिलकर बनी है, और नहीं तो आज हम लोग सरकार में नहीं होते। ये लोग अगर हिस्सा देते, सबको न्याय देते, सबके काम करते, सबकी बात सुनते तो आज इस मुकाम पे ओम प्रकाश राजभर को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आ गया और सरकार जो है, यूपी सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, सीना ठोक के कह रही कानून व्यवस्था दुरुस्त है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे आगरा में एक लड़की से छेड़खानी करके जिंदा जला दिया गया, बुलंदशहर के खुर्जा में एक महिला से रेप करके, विधवा से रेप करके उसको हत्या कर दी गई, तमाम ऐसी घटनाएं प्रदेश से आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको, कहीं न कहीं जिस कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भाजपा को लोगों ने चांस दिया सपा नकार करके, तो सरकार में भी कहीं कुछ ठीक नहीं है? देखिए, जनता हमेशा न्याय के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने बेहतरी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहती है कि हमको न्याय मिले, हमको सम्मान मिले, हमारे ऊपर कहीं जुर्म जाती अत्याचार न हो, ये प्रयास जनता बराबर कर रही है। लेकिन पार्टियों को जब वोट दे के सरकार बना दे रहे हैं तो सरकार बनने के बाद पार्टियों का ध्यान उनकी तरफ न हो करके उनके दिमाग को भटकाने के लिए तरह तरह के, कभी मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमा देते हैं तो कभी हिंदू मुसलमान की चर्चा कर देते हैं तो कभी हनुमान जी को दलित बता देते हैं, तो इसी तरह का तमाम तरह की बातें करके उनका ध्यान हमेशा भटकाने की कवायद होती रहती है।